हेलो क्लास, टुडे वी आर डूइंग आवर एक्सरसाइज विच इज इन पेज नंबर 62 विच इज वर्ड प्रॉब्लम. क्लियर? हियर फर्स्टली यू नो द प्रोसीजर ऑफ वर्ड प्रॉब्लम इज रीड द गिवन प्रॉब्लम थ्रूली. सेकेंड, राइट द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम गिवन. एंड थर्ड, आफ्टर दैट फाइंड द सम डिफरेंस. जो भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करने होते हैं. क्लियर? तो हियर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन सेज देयर आर 3567 बैग्स इन ए गोडाउन. ठीक है, इफ 1981 बैग्स आर टेकन आउट एंड सोल्ड, हाउ मेनी बैग्स आर लेफ्ट. फर्स्टली राइट द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. वी राइट हियर टोटल नंबर्स ऑफ बैग्स इन गोडाउन. इज 3567 बैग्स. ओके, पहले तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन गोडाउन इज इक्वल टू 3567. नंबर ऑफ बैग्स टेकन आउट, या आप ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ, अच्छा आप यही लिखो, नंबर्स ऑफ बैग्स टेकन आउट is 1981. Clear? Therefore, number of left bags, okay, is equal to वी टोटल नंबर जो है हमारे बैग्स के, उसमें से जो नंबर जो बैग्स जो है बिक गए हैं उनके नंबर्स को हम माइनस करेंगे तो जो हमारा डिफरेंस होगा दोनों का वही क्या होगा, टोटल नंबर्स ऑफ लेफ्ट बैग्स होगा. क्लियर? तो जो डिफरेंस हम इसका निकालेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो 1586 होगा. क्लियर? This is the number of left bags. Clear? हमने बस क्वेश्चन को पढ़ना है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को लिखना है और तब सॉल्व करने हैं. जैसे हमने पहले लिखा टोटल नंबर्स ऑफ बैग्स जो गोडाउन में नंबर्स ऑफ बैग थे वो कितने थे, 3567 थे. जो बैग्स निकाल लिए गए गोडाउन से और बेच दिए गए उनका नंबर्स जो है उनकी संख्या कितनी थी, वो 1981 थी. इसलिए हमने, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे ये कह रहा है कि हाउ मेनी बैग्स आर लेफ्ट. तो नंबर ऑफ लेफ्ट बैग्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बैग्स में से हम सोल्ड जो किए गए हैं उनको माइनस करेंगे तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट बैग्स होगा. क्लियर? विच इज 1586. नंबर सेकेंड सेज अ डेयरी प्रोड्यूस 2162 बॉटल्स ऑफ मिल्क इन वन डे. एक दिन में जो मिल्क डेयरी है वो वहाँ कितने बॉटल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, 2162. इट सप्लाइड 1108 बॉटल्स टू वेरियस आउटलेट्स. जगह जगह अलग अलग जगहों पे कितने सप्लाई कर दिए गए हैं बॉटल्स, 1108 बॉटल्स जो हैं डिफरेंट एरियाज में वो क्या किए गए, सप्लाई कर दिए गए हैं. तो आपको बताने हैं हाउ मेनी बॉटल्स वी आर लेफ्ट. अगर टोटल नंबर ऑफ बॉटल जो थे वो 2162 है और उसमें से हमने 1100 को माइनस कर दें तो जो हमारा डिफरेंस होगा वही क्या होगा, नंबर्स ऑफ लेफ्ट बॉटल्स होंगे. ओके, तो हियर सेकेंड में वी राइट
टोटल नंबर्स ऑफ बॉटल, फॉर द इजी वे, आसान के लिए मैं लिख रही हूँ कि टोटल नंबर्स ऑफ बॉटल्स जो हैं, मिल्क बॉटल्स भी आप लिख सकते हैं या सिर्फ बॉटल्स लिखें, इज इक्वल टू 2162. क्लियर? इतने बॉटल्स हैं जिसमें से क्या किए गए हैं, नंबर ऑफ सप्लाइड बॉटल जो हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ सप्लाइड बॉटल, ओके, जिनका सप्लाई कर दिया गया है बॉटल्स का, उनकी संख्या कितनी है, तो वो 1108 बॉटल्स जो हैं वो क्या कर दिए गए हैं, जगह जगह वेरियस एरियाज में क्या किया गया है कि उन्हें सप्लाई कर दिया गया है. तो अब आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी बॉटल्स वेयर लेफ्ट, तो नाउ नंबर्स ऑफ लेफ्ट बॉटल्स इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, 2162 में से माइनस कर देंगे 1108 को. क्लियर? क्या करेंगे, 2000 और ये जो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स हैं उनमें से सप्लाइड बॉटल्स के नंबर्स को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस होगा वो 1054 होगा. तो नंबर्स ऑफ लेफ्ट बॉटल्स इज इक्वल टू 1054. क्लियर? थर्ड क्वेश्चन सेज देयर वेयर 8,363 मैंगोज इन अ मैंगो ग्रोव, ठीक है, 5,124 मैंगोज वेयर पिक्ड फ्रॉम द ट्री, ओके, हाउ मेनी मैंगोज वेयर लेफ्ट ऑन द ट्री, अगर, ठीक है, अगर आम की जो बागवानी है उसमें टोटल मैंगोज जो हैं वो 8,363 हैं और पेड़ पे, उन सारे पेड़ पे टोटल नंबर्स ऑफ मैंगोज जो हैं, ठीक है, अब उसमें से जो पेड़ से तोड़ लिए गए हैं मैंगोज जो वो हैं 5,124, तो आपको बताने हैं कि अब उन पेड़ों पे कितने आम बचे, अगर टोटल वो पूरे जो बागीचा था उसमें जितने पेड़ थे उन सबको मिला के उन पे टोटल नंबर्स ऑफ मैंगोज कितने थे, 8,363 थे, और अब उसमें कितने बचे आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, जिसमें पेड़ में से तोड़ लिए गए कितने 5,124, तो अब कितने बचे, तो ऑब्वियसली आप टोटल नंबर्स में से जो तोड़ लिए गए हैं उनको माइनस करेंगे तो आपका नंबर्स ऑफ मैंगोज जो होता है लेफ्ट ऑन द ट्री वो आ जाएगा. क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन सेड अ बिग वाटर टैंक कंटेन्स 3,645 लीटर्स ऑफ वाटर, 1,946 लीटर्स ऑफ वाटर इज पम्प्ड आउट, हाउ मच वाटर रिमेन्स इन द टैंक, एक बड़े से पानी के टैंक में वो टैंक जो है कितना लीटर पानी रखता है, 3,645 लीटर वाटर वो कंटेन करता है, जिसमें से 1,946 लीटर वाटर जो है वो निकाल लिया गया है, तो आपको बताने हैं कि अब उस टैंक में कितना बचा, कितना शेष है, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि टोटल जो वो टैंक कंटेंट्स जो है उसमें से आप जो पंप आउट किए गए हैं उनके नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आएगा वही रिमेन्स वाटर होगा टैंक के अंदर. क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन सेड 5,016 स्टूडेंट्स स्टडीड इन संत जॉन्स स्कूल, स्कूल का नाम दिया गया है, वहां कितने बच्चे हैं, 5,016 स्टूडेंट्स हैं. क्लियर? आउट ऑफ देम 2,867 आर बॉयज, अगर पहले तो उसने टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट बताया, फिर कह रहा है कि उसमें 2,867 जो है वो बॉयज हैं, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टडिंग इन संत जॉन्स स्कूल, तो उस स्कूल में नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितनी है ये आपको बताने हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स के नंबर्स में से हम नंबर्स ऑफ बॉयज को माइनस करेंगे तो जो हमारा डिफरेंस होगा वह नंबर्स ऑफ गर्ल्स होगा. क्लियर?
ऐसे ही आपको टोटल नंबर में से जो बॉयज के नंबर गिवन किए गए हैं उनको माइनस करना है, जो हमारा डिफरेंस आएगा वो नंबर्स ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे. क्लियर? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सिक्स क्वेश्चन सेड इन ए पोल्ट्री फॉर्म 3683 एग्स वेयर कलेक्टेड इन द मॉर्निंग, 2160 एग्स वेयर सेंट टू द मार्केट बाय द आफ्टरनून, हाउ मेनी एग्स रिमेन्स इन द फॉर्म. देखो इस क्वेश्चन जो है 3683 एग्स कलेक्ट किए गए मॉर्निंग में, और उसमें इन्हीं एग्स में से आफ्टरनून में मतलब दोपहर के समय इतने वेक्स क्या किए गए, मार्केट में भेज दिए गए दोपहर में इन्हीं नंबर्स में से. तो आपको बताने कि अब फार्म में कितने एग्स बचे, तो आपको टोटल नंबर्स जो है एग्स हैं उसमें से जो सेंट मार्केट में जो सेंट किए गए हैं उसके नंबर को माइनस कीजिएगा, तो फार्म में कितने नंबर एग्स बचे वो आ जाएगा, जो डिफरेंस हमारा होगा वो हमारा आंसर होगा. सेवेंथ क्वेश्चन से ए कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक बॉक्सेस सेंड 7550 बॉक्सेस टू इट्स डीलर, ही एक्सेप्ट्स ओनली 4987 बॉक्सेस, हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिजेक्टेड. एक कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है प्लास्टिक बॉक्सेस और वो भेजती है कितने कंपनी जो है वो कितने प्लास्टिक बॉक्स भेजती है, 7550 बॉक्सेस भेजती है डीलर को. ठीक है, बट वो क्या करता है कि वो 4987 बॉक्सेस ही एक्सेप्ट करता है. तो बताने हैं कि आप तो नंबर ऑफ रिजेक्टेड बॉक्सेस बताने हैं, तो पहले तो हमने टोटल नंबर्स ऑफ बॉक्सेस लिखने हैं मैन्युफैक्चर्ड. ठीक है, बॉक्सेस के नंबर्स लिखेंगे, उसके बाद नंबर्स ऑफ एक्सेप्टेड बॉक्सेस लिखेंगे. दोनों को लिखने के बाद हम नंबर्स ऑफ रिजेक्टेड बॉक्सेस निकालेंगे, तो हम टोटल नंबर्स बॉक्सेस के नंबर में से जो डीलर ने एक्सेप्ट किया उस नंबर्स को माइनस करेंगे, तो हमारा जो डिफरेंस होगा वो वही रिजेक्टेड बॉक्सेस के नंबर्स होंगे. क्लियर? तो आपका वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास वी टॉक अबाउट कंबाइनिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन.